आइए 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 आइए। तो व्हाट्स अप फैम, तो न्यू यूट्यूब वीडियो आ चुकी है। तो ये वीडियो है एक वायरस के बारे में। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, एक वायरस के बारे में। ये वायरस कुछ इस तरीके का बर्बाद कर रहा है लोगों को कि इसको रोकना मुश्किल क्या नामुमकिन हो चुका है। डॉन से भी खतरनाक हो चुका है ये वायरस। इतनी गंदी तरीके से वायरल हो चुका है और इतनी तेजी से फैल रहा है इंसानों के बीच में कि इंसान अपने आप को बचा नहीं पा रहा। इंसान के पास तरीका ही नहीं है इससे बचने का। और इसके चर्चे इतने हैं, ना 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 ना, यहां बात कोरोना वायरस की नहीं हो रही है। कोरोना वायरस से भी खतरनाक रूप ले चुका है। कोरोना वायरस बॉडी को हार्म करता है, ये दिमागी संतुलन को। कहीं भी आप अपनी मुंडी घुमा लो, कहीं भी आप देख लो, यहां की आप तस्वीर उठा के अभी देखोगे, वहां से पनप आएगा और वहां मिल जाएगा। तो इस वायरस को हम कहते हैं विनोद। तो गाइज, आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ विनोद का फुल फॉर्म। तो विनोद का फुल फॉर्म, बहुत ज्यादा बिल्ले हैं इसलिए नल्लो की तरह ऑन ट्रेंड कुछ भी कर देंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ विनोद होता क्या है। विनोद एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसका कोई इलाज नहीं है। एक बार कोरोना वायरस की वैक्सीन कल आ जाएगी, पर इसकी वैक्सीन कभी नहीं आई, क्योंकि इंसानों गधा और गधे को इंसान बनाने की काबिलियत रखता है। और इसकी चपेट में इंडिया से ज्यादा जनता आ चुकी है। और इसके संपर्क में आने से आपके जमाने से एक ही वर्ड याद रहेगा, विनोद। ना इसकी कोई वैक्सीन है, ना इसके ऊपर इम्यून सिस्टम काम करता है। तो रामदेव बाबा जी को तो भूल ही जाओ, ना कपाल भारती, ना अलोम विलोम, कुछ काम नहीं करेगा। याद रहेगा तो सिर्फ विनोद, विनोद। बस कर जाओ सालो, अब तो तुमने इंसान को जितना ज्यादा ग्रूथ बना दिया। बस फर्क इतना है कि वो ग्रूथ बोलता है और इंसान विनोद। विनोद गाइस, जितना हो सके ना इस बीमारी से दूर रहना। चाहे इसके लिए ना तुम्हें पतंजलि की गोलियां खानी पड़ जाए, देसी नुस्खे या सैनिटाइजर ही पीना पड़ जाए। सालो पीना मत, पीना मत। फिर तुम मेरे वीडियो पे आगे रिपोर्ट करोगे, सब करोगे कि इसने कहा था सैनिटाइजर। पीना मत, ठीक है, पीना नहीं है, मजाक था। और ये बीमारी इतना खतरनाक और जानलेवा रूप ले चुकी है कि अगर आप चीज से भी कुछ भी पूछोगे तो रिप्लाई सिर्फ एक ही आएगा, विनोद। भाई खाना खाया? विनोद। आज ही आ गए आप? विनोद। यार भूख लग रही है यार, कुछ खाने चलते हैं। विनोद। यार ये कोरोना कब जाएगा यार? विनोद। ओ आतिशबाजी। गाइस मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए, पर विनोद से पीड़ित लोग दिमागी संतुलन खो बैठते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि उनको अपना पूरा संसार, पूरी दुनिया विनोद में दिखता है। मतलब वो इतनी ज्यादा उसके अंदर घुस जाते हैं कि उनको समझ बैठते हैं कि उनके बाप दादा ही विनोद है। बस कर जाओ। विनोद का ऐसा सैलाब आया कि मुझसे संभाले नहीं संभल रहा था वो, मुझसे क्या किससे नहीं संभाले संभल रहा था वो। मतलब कि विनोदियों अभी तो रुक जाओ, अभी भी तुम लोग लगे होंगे कमेंट सेक्शन में विनोद करने में, मुझे पता है। रुक जाओ, सुन लो पहले पूरी मेरी बात, ठीक है। फिर मैंने ऐसी चीज देखी जिससे मेरी पैंट में भी क्रैक आ गया। मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तुम्हारे भी सारे शरीर के छेद एक बारी में एक साथ खुल जाएंगे। मैं गया डिस्कवरी चैनल के पेज पे, वहां देख रहा हूँ मस्त जानवर, मुझे बड़े पसंद है जानवर, मैं देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। चलो चलो ठीक है, मैंने एक बार के लिए मान भी लिया। चलो ठीक है, भाई को पसंद नहीं होगा पानी का जानवर, इस चक्कर में ना भाई को पसंद नहीं है इसलिए उसने विनोद लिख दिया। चलो मान लिया, मान लिया, मान लिया। फिर मैंने सोचा चलो ऐसे जानवर भी चलते हैं जमीन पे रहता हूँ। तो मैं वहां पे गया, वहां एंजॉय कर रहा हूँ। ला 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 ला। फिर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, भाई को नहीं पसंद होगा छोटा जानवर। तो मैं नेक्स्ट पे गया, बड़े जानवर पे। तो अही पागल लोग है, पता नहीं कुछ भी लिखते रहते। वापस क्या बोलूं मैं, क्या बोल भी क्या सकता हूँ, शब्द ही नहीं है अपने जज्बात को प्रकट करने के लिए, शब्द ही नहीं है मेरे पास। नहीं, इनमें इन जानवरों की क्या गलती है जो तुम यहाँ आके भी विनोद लिख रहे हो? क्या गलती है इनकी? कुछ नहीं है, यहाँ तक तो तब भी ठीक था। मैंने फिर देखा लोगों के ना जज्बातों में घुल मिल चुका है विनोद, मतलब उनकी फील करते हैं विनोद को। मतलब विनोद उनके अंदर इस तरह से जम चुका है, अंदर ऐसा डेरा जमा लिया है कि उनके अंदर से निकल नहीं रहा। मतलब कि वो बातों में और गालियों में हर तरफ सिर्फ विनोद ऐड कर रहे हैं। जैसे कि यहीं पेल दूंगा साले, यहीं पेल दूंगा तेरी विनोद की विनोद। भाई यार बहुत विनोद लग रही है यार, बहुत। चल कुछ विनोद करने चलते हैं, चल। भाई 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 आगे मत जाना, यहाँ पे बहुत सारी विनोदाएं हो रही हैं, तो अपने विनोद को संभालो और विनोद बोलो यहाँ से, जल्दी से विनोद बोलो। सालो इतना ही नहीं, इतना भी नहीं, मतलब अपना दिखाना है कि हम गंद कहीं भी बक सकते हैं। तुमने इंडिया में ही नहीं गंद फैलाया,
तुमने जाके बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी गंद फैलाया है तुमने. Binode. What does Binode people keep saying? What does that mean? What the hell is Binode? What is this? Why is everyone spamming it? Binode. Am I getting raided? What the fuck is Binip? Binode. Binode? What the hell is Binode? Stop it! मतलब उनको ना समझ तक नहीं आ रहा, वो विनोद को भी बिनोद 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 कर रहे हैं, उनको समझ तक नहीं आ रहा, बोल गए रहे हैं. ठीक है, वो बेचारे पागल हो गए. मत करना. मुझे पता है कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं विनोद, मत करना. माता रानी तुम्हें पाप लगाएगी, तुमने कर दिया ना, माता रानी तुम्हें पाप लगा के ही छोड़ेगी. अब देखना तुम मस्त नहीं, तुम्हारी विनोद के बिनाद मुझे भी असर होगा तुम्हारा. अब हम ऐसे स्ट्रॉबेरी भी छोड़ो, विनोदाएं दुनिया में आ चुके हैं जहाँ पे विनोद के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है. चलो इतना तो प्रूफ हो ही गया कि इंडिया का कमेंट सेक्शन इतना टट्टी है कि तुमने सारी जगह जा जाके एक ही नाम का चीज़ हगी है, विनोद. इतना ही नहीं, अकेला विनोद ट्रेंड नहीं लेकर आए हो, इससे पहले भी बहुत चीज़ें ट्रेंड में आई हैं. जैसे भी खुदाई तो याद होगी, है ना? जाने मन कोचिंग तो एक बहाना है, असल में हमको जेसीबी की खुदाई देखने जाना है. और एक वो जो नोट के ऊपर लिख दिया था सोनम गुप्ता बेवफा है. अबे सालो इतना ज्यादा पागल क्या हो गए उस चीज के ऊपर कि बैंक से नोट लेकर आओ गरम गरम, तो उसके ऊपर लिखा होता था सोनम गुप्ता बेवफा है. मतलब थोड़ी सी अटेंशन पाने के लिए गड्डियां पकड़ के लोग लिख रहे हैं सोनम गुप्ता बेवफा है और उड़ा रहे हैं. अबे पैसों की तो इज्जत कर लो. थोड़ी तो कर लो इज्जत. और इतना ही नहीं, वो एक आंटी आई थी बीच में क्या. हेलो फ्रेंड्स, इतने साल हो गए आज तक हमें तो चाय मिली नहीं. आंटी रोज आके सुबह बोलती थी हेलो फ्रेंड चाय पी लो, आज तक चाय मिली है नहीं है. मन करता आंटी का कुल्लर पकड़ के ना फेंक दूंगा ही या अपने सर पर ही मार लूं. विनोद यार तुमने इतनी गंदी आदत लगाई है ना. अब मैं आपको ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूं जिसको आप इंसान जानवर जो आप कहना चाहते हो कह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे आपने कहना है कहो. ऐसे इंसानी जानवर जिससे मिलवाने वा रहा हूँ जिसको देख के आपके किडनी में भी हार्ट अटैक आ जाएगा. इनकी थ्योरी सुनते हैं हम. तो विनोद अगर लिखना है तो ये सोच के लिखें कि आपके मोबाइल से कितना डेटा और किस वक्त क्या क्या चीज़ यहाँ से जाएगी और ये सब कहाँ जा रहा है. डार्क वेब पे कोई कनेक्शन नहीं बन रहा. अच्छा. ओ डार्क वेब भाई साहब. अबे साले मतलब इतने बड़े इंजीनियर बैठे हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, वो तो वेले हैं, उनको तो कुछ काम ही नहीं होता, उनका पैसा बर्बाद गया सारा का सारा, वो तो सामने बैठ के डार्क वेब देख रहे हैं. ओ डार्क वेब चल रही हो, मजा आ रहा है, बंदा मर रहा है, हो स्वाद मजा ही आ गया है ना. और गाइस ये वही बंदा था जो कुछ दिन पहले पब्लिक को कुछ कह रहा था. मैंने तो आप लोगों को बहुत पागल बनाया हमेशा फ्रॉम सोशल मीडिया थैंक्स टू आप. चूतिया बनते आप, चूतिया बनाते आप, बहुत बड़े चूतिया. अब तो मैंने आपको चूतिया बनाना छोड़ दिया, लेकिन जब चाहूं मैं जब भी, क्योंकि आप लोग हैं रेडीमेड आते हैं गांव में जगह हमारी समझ में नहीं आता क्या क्या ड्रामा कर रखा है. अब देखो इसने खुद का आंसर ना पहले दे दिया था कि अभी भी बना रहा है पब्लिक को, अभी भी सी बना रहा है या बनाता आ रहा था, अभी भी बना रहा है. तो गाइस अगर आपको पता नहीं है तो वकाजक जो भी बोलते हैं छोड़ो, उनका एक YouTube पे चैनल भी है जिसके अंदर वो एक शो करते हैं जिसका बहुत पॉपुलर गंदा शो है वो, जिसका नाम है हेडफोन शो. और आप नाम से बता रहा होगा हेडफोन शो मतलब हेडफोन के बिना सुन नहीं सकते, तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं वहाँ पे. और सर देखो वहाँ पे करते क्या. तो ये सब होता है. हाँ. तो सर ने ना एक और बात करी जिससे ना मुझे ऐसा हो गया कि ये इंसान जब पैदा हुआ होगा तो डॉक्टर ने क्या कहा होगा कि भाई बच्चा हुआ है या बेवकूफ हुआ है. देखते हैं अच्छी रोस्टिंग कौन कर सकता है, क्योंकि देखिए ऐसे तो एडिटिंग करके स्क्रिप्ट लिखकर हर कोई रोस्टिंग कर सकता है, लेकिन लाइव शो इसकी ये बात का मैं रिप्लाई दूंगा कि स्क्रिप्ट बनाने में और एडिटिंग करने में लगता है टाइम, तुम्हारे ऐसे विल नहीं कैसे भी उठा के शो कर दिया. और भाई जी अगर आपको पता हो ना तो कैरी मिनाटी 3 साल से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, आपको कहां पता होगा, क्योंकि आपकी लेनी की देनी और देनी की लेनी एक साथ कर देता है वो. वाह कैरी मिनाटी एक और मेरा रोस्ट बना, एक और 2-3 और बची आए मेरे पास. देखो रोस्टिंग उसने की, टेक उसने की और माल इंडिया का मेरे पास आ रहा है. ऐसा नहीं है माल. सच बताऊं तो कैरी भी ऐसे, हम जानते हैं कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, आप जैसी चरान चीज भी है. और दूसरी बात तो गाइस इनके साथ ना एक बंदा एक ऐड हुआ जिनने इनको सच का आईना दिखाया,
तो देखिए जो भी है ठीक है वाह भाई वाह वाह खुद उसको एग्जिट कर दिया उसको खुद निकाल मारा फिर बोलते छोड़ना मत छोड़ना मत छोड़ना मत भाई आपको ट्रिमर का तो याद ही होगा ना नहीं पता तो गई मैं बताता हूँ आपका भाई जिंदा है बताने से अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ देखिए मुझे पता है जका भाई आप बहुत बिजी हो आप बहुत बड़े इंसान हो मुझे पता है आपके पास बहुत शोज चलते हैं आपके बहुत काम होता है आपके पास बस मैं आपको एक ही चीज कहूंगा एक ही सलाह दूंगा कि दो मिनट सिर्फ दो मिनट ज्यादा भी नहीं दो मिनट अपनी बिजी शेड्यूल से निकाल के दो मिनट अपनी बिजी लाइफ से निकाल के ना ट्रक के नीचे आ जाओ बात करो ढंग की करो पब्लिक को डराओ मत तो अब मैं आपको मिलाना चाहता हूँ ऐसे शख्सियत से जिसने बता दिया कि विनोद कौन है उसने कहा कि विनोद मैं ही हूँ अगर मैंने आपको उसकी फोटो भी दिखाई ना तो अभी आप अपने फोन में हाथ डाल के वो फोटो निकाल के फेंक दोगे बट मैं फिर भी ये करना चाहूंगा क्योंकि मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूँ तो देखिए तो मैं सबको यही बताना चाहूंगा वो विनोद दूसरा तीसरा कोई नहीं तुम्हारा बाप दीपक कलाल है मैं ही हूं वो विनोद लव यू दीपक फ्रॉम यूट्यूब मुझे टाटा कर दो मुझे टाटा कर दो अबे हो मूंगफली बाप बनने चल रहा तू हैं तू बेटा निकल ले टाटा कर रहे ना हाँ टाटा जिंदगी से टाटा हो जा निकल ले बेटे तू इससे पहले पहले जनता का दिमाग खराब हो निकल ले यहाँ से या तो अब याद ही है हाईवे वाला सीन ये दीपक लाल से याद आया ये WHO ये WHO इतनी चरान चीज है ना जब ये कोरोना वायरस फैल रहा था तो कहते कि आप चमगादड़ों से दूर रहो चमगादड़ों से फैल रहा है आप जितना दूर रहोगे बचे रहोगे मैंने अगले दिन से बैटमैन देखना बंद कर दिया मैंने बोला घर पे आना नहीं चाहिए मुझे कोरोना वायरस नहीं चाहिए फिर कहते हैं यार डरो मत इंसान टू इंसान में नहीं फैल रहा तो आप घूमो मैं घूम रहा हूं वाला कुत्तों की तरह कभी इधर जा रहा हूं कभी उधर जा रहा हूं फिर कहते हैं बच के रहो इंसानों से इंसानों में फैल रहा है तो आप लोग दूर रहना एक दूसरे से तो मेरी तशरीफ पड़ गई भाई मैं क्या करूं मैं तो बाहर घूम रहा था सबसे मिला मिला फिर कहते हवा में फैल रहा है भाई साहब मैंने तो प्लानिंग कर ली थी मोदी के पास जाऊंगा उनसे कहूंगा कि रामदेव बाबा जी का कपाल भारती अलम विलम दोनों बैन करवा दो इंडिया में भाई जरूरत नहीं है अभी फिर कहते कि डरो मत आपको ना सैनिटाइजर और मास्क पहन के रखोगे तो बच जाओगे तो मैंने ना करोड़ों पैसा खर्च कर दिया घर पे सैनिटाइजर की बोतलें और अलग अलग तरीके मास्क खरीद के रख लिए फिर कहते कि नहीं नहीं यार हमारे कोई ऐसी गारंटी नहीं है आप इन दोनों यूज करने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है नहीं क्या करें इंसान मर जाए नहीं खत्म हो जाए तुम क्या चाहते हो नेक्स्ट उससे पैदा ही ना हो यहाँ पर ही खत्म हो जाए बर्बाद हो जाए सालों 10-10 दिन बाद तो तुम्हें याद आता है कि ये बताना है वो बताना है एक बार में बता दिया करो चलो छोड़ो एक बार के लिए माफ करते हैं WHO छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है चलो माफ कर दिया फिर पुतिन अंकल ने रशिया में बैठ के वैक्सीन नहीं तुम्हें सालो उसमें ही प्रॉब्लम है तुम कह रहे हो कि हमें तुम्हारी वैक्सीन पर शक है अबे सालो हमें तुम पे शक है नहीं उस बंदे ने अपनी लड़की के ऊपर वैक्सीन लगा ली अब इससे ज्यादा क्या करे वो रोड रोलर चला रहे अपने ऊपर वो भी चढ़ा देगा ना साला तुम भी कहोगे हमें तुमसे प्रॉब्लम है नहीं नहीं वो वैक्सीन यूज करने से ज्यादा इंसान को क्या होगा नहीं ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा इंसान मर जाएगा सालो मर तो अभी भी रहा है ना करने दो यूज कुछ तो बोलने दो तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो तुम 10-10 दिन बाद आके बता देते हो जब बंदा मरने वाला होता है तब तुम आगे बताते हो अभी उसको उसने करा करने दो नहीं बट नहीं इंसान में चुल है कि हम आगे निकलेंगे हमें इस लाइन में आगे भागना है कि भाई हम पहले वैक्सीन बनाएंगे इंसान में तो जाओ तुम लोग ना वैक्सीन बनाने के चक्कर में ना तुम रेसे लगा लो और इंसान मार दो काम पे ध्यान दो काम पे आपको पता है जब ये विनोद थारू वाला सीन हो रहा था विनोद वाला तो दिल्ली में एक लड़की का रेप हुआ था नहीं पता होगा आप लोगों को क्योंकि आप लोगों का ध्यान उस समय विनोद पे था किसी को नहीं पता देनी है ना तो इस चीज़ों को हाइप दो ताकि जस्टिस मिले तो गाइज इतना ही नहीं अगर आप किसी फॉरनर के कमेंट सेक्शन में ऐसे स्पैम करते हो ना कोई भी वर्ड जैसे विनोद या कुछ भी तो बाद में ना हमारी कंट्री को ही बोलते हैं बुरा जितने भी मैंने आपको अभी छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई उसके बाद भी उन्होंने बोला कि एक ही साइड से ये गार्बेज आ रहा है एक ही साइड से ये सब गंद आ रहा है तो आप सोचो बुरा लगता है अब आपको पता है हम वो ही लोग हैं जिसने PewDiePie को सेकंड पे ले आए नंबर वन से उसको इतना घमंड था हम सेकंड लेकर आए हिलाया हम में दम रखते हैं इंडिया वाले हम दम रखते हैं करने का ठीक है हम दम रखते हैं किसी को भी कहीं से हिला देने का जो ये पैसे के दम पे सब चीज़ें सब गुनाह सब कुछ छुपा देते हैं ना अगर हमने प्रेशर लगाया ना
सब हो जाएगा। अभी सुशांत सिंह राजपूत का देख लो, दम रखा हमारे हम पब्लिक ने, सीबीआई तक बात पहुंच गई, समझ रहे हो? इतना दम रखते हैं हम लोग, इतना दम रखते हैं, ऐसे फालतू का ट्रेंड बनाने की जरूरत, बनाओ कभी बनाना है बनाओ, बट जितना ट्रेंड उसको दे रहे हो ना, उससे दुगना जो चीज मेन ट्रेंड में जानी चाहिए, जो मेन चीज होनी चाहिए उसको दो, उसको जोर लगाओ। बाकी मेरे कहने से तो अभी कौन सा मान जाओगे, हारा हार्दिक ने कहा करना है तो करना है, ये वो मुझे पता है ऐसा कोई नहीं करेगा, बट बस मैं चाहता था एक मैसेज मिला छोटा सा। बाकी हेटर्स भाड़ में जाओ, रुको, दो मिनट थोड़ा सा टाइम लूंगा, थोड़ा सा मेरी एक लाइन रह गई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में सब जरूर बताएगा कि वीडियो कैसी लगी और कौन सा पार्ट अच्छा लगा। हाँ, वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि मेरा जो पीसी था वो एक्चुअली ख़राब हो गया, सब उसके अंदर था, सब कुछ उड़ गया, तो उसने पता नहीं क्या किया कि जितना सब कुछ था सब उड़ गया, तो मैं वापस शूट करनी पड़ी और वापस बनानी पड़ी वीडियो, इस चक्कर में लेट थी। और गाइज, हमारा सिल्वर प्ले बटन जल्दी आने वाला है, तो तैयार रहिएगा, स्टे ट्यून्ड गाइज। तो तब तक के लिए हेटर्स, भाड़ में जाओ, निकल जाओ।